आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संसद में राहुल के बयान की आलोचना के दौरान हंगामा, सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा मुझे बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला है। छतरपुर में एसडीएम ने खुद ही करवाया था हमला, एसडीएम सबकाले गिरफ्तारी के बाद निलंबित। धान खरीदी नहीं होने से किसान सरकार से नाराज, किसानों ने शुरू किया अनशन। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दावा, छत्तीसगढ़ के 22 तेईस जिलों में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। संसद में जब राहुल गांधी के डंडा मार बयान की डॉक्टर हर्षवर्धन आलोचना कर रहे थे, तभी कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर उनके पास पहुंच गए। लोकसभा में धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के सांसद मणिकम टैगोर का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी पर हमला नहीं किया है। संसद में आज राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन के भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद उनके पास पहुंच गए और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर बेल में जरूर गए थे, कैमरा देख सकते हैं, उनके ऊपर उल्टा हमला हुआ है। राहुल ने केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय दूसरी बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने वायनाड में मेडिकल कॉलेज का सवाल किया था, उस पर जवाब देने के बजाय वे मैंने जो बाहर बोला था उस पर बात करने लगे। हर्षवर्धन को दूसरा मुद्दा उठाने का निर्देश था। वायनाड की इशू मेडिकल कॉलेज की इशू है, वहाँ के लोगों को कठिनाई हो रही है, मैं उठाना चाह रहा था। नॉर्मली क्वेश्चन आवर में सवाल का जवाब दिया जाता है, मगर शायद हेल्थ मिनिस्टर को किसी और ने बताया होगा, इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि वो अपने आप ये नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस थे कि दूसरी इशू उठानी है, तो उन्होंने वो बात उठा दी। ये अनपार्लियामेंट्री है, नॉर्मली ऐसे होता नहीं। आप ये जो टेलीविजन का कैमरा है उसको आप वीडियो को देख लीजिए। मानिक टैगोर जी जरूर वेल में गए, मगर मानिक टैगोर जी ने कोई किसी पे हमला नहीं किया, उल्टा उन पे हमला हुआ। लोकसभा में शुक्रवार को एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के डंडे मार बयान का जिक्र किया और आलोचना करने लगे, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर हर्षवर्धन की सीट पर पहुंच गए और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वहीं बीजेपी सांसद बेल में आ गए और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर को पकड़ लिया और धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। हंगामे के बाद हर्षवर्धन ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि राहुल गांधी के पिता खुद देश के प्रधानमंत्री थे, तो ऐसी टिप्पणी वो कैसे कर सकते हैं। लोग पीएम को डंडों से पीटेंगे और देश के बाहर फेंक देंगे, हम सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के मुताबिक डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ गलत बर्ताव हुआ है, यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। आई वॉन्ट टू कंडेम इन नो अनसर्टेन वर्ड्स द आउटलैंडिश लैंग्वेज दैट ही हैज यूज्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इन अ रीसेंट स्पीच। He used words like, छह महीने बाद इस देश का युवा नरेंद्र मोदी को डंडे मार मार के देश से बाहर कर दे। आई एम सरप्राइज दैट मिस्टर गांधी ओन फादर वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई डोंट थिंक दैट इन द वर्स्ट ऑफ केसेज अवर पार्टी लीडर्स मेक सच आउटलैंडिश पर्सनल रिमार्क्स अगेंस्ट हिम एवर थ्रेटनिंग दैट beat him with dandas and throw him out of the country. The entire house present here must in unequivocal terms condemn his language against the honorable prime minister. असम के कोकराझार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कभी कभी लोग मोदी को डंडा मारने की बात कहते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतनी बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो, उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं, उसको कुछ नहीं होता। पीएम मोदी ने कहा, अब इस धरती पर किसी भी माँ के बेटे बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी। अब केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो आंदोलन से जुड़े संगठनों ने जिस ऐतिहासिक फैसले पर सहमति जताई है, जिस पर साइन किया है, उसके बाद अब
कोई मांग नहीं बची है और अब विकास की पहली और आखिरी प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा सरकार का प्रयास है कि असम अकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कभी कभी लोग मोदी को डंडा मारने की बात कहते हैं, लेकिन जिस मोदी को इतनी बड़ी मात्रा में माताओं बहनों का सुरक्षा कवच मिला हो उस पर कितने ही डंडे गिर जाएं उसको कुछ नहीं होता। अब इस धरती पर किसी भी मां के बेटे का, किसी भी मां की बेटी का, किसी भी बहन के भाई का, किसी भी भाई की बहन का खून नहीं गिरेगा, हिंसा नहीं होगी। आज मुझे वो माताएं भी आशीर्वाद दे रही है, वो बहनें भी मुझे आशीर्वाद दे रही है जिनका बेटा जंगलों में कंधे पर बंदूक उठा के भटकता रहता था। पीएम मोदी ने कहा आज जब बोडो क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसलों का संचार हुआ है तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहाँ के हर समाज को साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। इसमें असम भी सशक्त होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना भी और मजबूत होगी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने ब्याज दरें सस्ती कर दी हैं, लेकिन लगे हाथ FDI यानी फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरें कम करके ग्राहकों को झटका भी दे दिया है। इससे SBI के ग्राहक खुश भी हो सकते हैं और दुखी भी। SBI ने लगातार 9वें वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट में कटौती की घोषणा की है। बैंक ने MCLR में 5 BPS की कमी का ऐलान किया है। अब यह दर 7.90% से घटकर 7.85% सालाना हो गई है। नई दरें 10 फरवरी से लागू होंगी। इससे ग्राहकों को फायदा होगा क्योंकि वे अब सस्ती दर पर होम लोन और ऑटो लोन ले सकेंगे। गौरतलब है कि गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा की है। रेपो रेट 5.15% पर बना हुआ है, फिर भी SBI ने MCLR में कटौती की है। बैंक ने 46 दिनों से 179 दिनों में मैच्योर होने वाली FD के लिए ब्याज दर में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब इन जमाओं पर 5% की ब्याज दर मिलेगी। 180 दिनों से लेकर 210 दिनों तक और 211 दिनों से एक वर्ष से कम समय में मैच्योर होने वाली FD के लिए अब 5.50% की ब्याज दर देगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि प्रदेश के 22 या 23 जिलों में कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। भाजपा पर निशाना साधते हुए बघेल ने कहा कि भाजपा ने धान को चुनाव में मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता ने नगरीय निकाय में बुरी तरह से पस्त कर दिया है और पंचायत चुनाव में भी साफ कर दिया है। जनपद पंचायत में भी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, सरपंच की गिनती ही भाजपा के पास नहीं है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से साफ हुआ है कि जनता सरकार के एक साल के कार्यकाल से खुश है। पंचायत चुनाव में मुझे संतोष है कि बस्तर जैसे इलाके में नक्सलियों की कोई गतिविधियां नहीं हुई। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों को मेरी तरफ से बधाई। बस्तर में जहां उम्मीदवार खड़े नहीं होते थे वहां चुनाव कराया गया। उम्मीदवारों को नक्सली धमकी मिलती थी, लेकिन इस चुनाव में कोई मामला सामने नहीं आया। देखिए, एक इस बात का मुझे संतोष है कि नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायती राज चुनाव में एक भी नक्सली घटना नहीं हुई, जबकि रिकॉर्ड है कि पिछले जब चुनाव हुआ था तो 80 घटनाएं हुई थी। ऐसे में बिल्कुल कोई घटना नहीं घटी, बल्कि उन पंचायतों में भी चुनाव हुए जिनमें नक्सली की धमकी के चलते कोई फॉर्म नहीं भरते थे, या जिन कोई फॉर्म भर दिया तो उसे नक्सली उठा के ले जाते थे, लेकिन इस समय चुनाव में किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। मैं सभी को बधाई देता हूँ। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के सरकारी संरक्षण में सीमेंट के दामों को बढ़ाए जाने के बयान पर CM बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सही कह रहे हैं, दरअसल केंद्र सरकार के संरक्षण में सीमेंट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि सीमेंट का दाम बढ़ाया जाना केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की बैठक में भाजपा नेताओं के शामिल होने पर बघेल ने कहा कि देश के राजनीतिक दलों के कई अनुषांगिक संगठन होते हैं,
लेकिन यहाँ उल्टा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषांगिक संगठन भाजपा बन गई है, वहाँ से जो निर्देश मिलता है उसे पालन किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, केंद्र सरकार का पूरा संरक्षण है, इस कारण से बढ़ा रहे हैं क्योंकि सारे दाम अब तो केंद्र सरकार से निर्धारित होते हैं। देखिए, ये एकमात्र राजनीतिक दल है, बहुत सारे राजनीतिक दल हिंदुस्तान में उसके अनुसांगिक संगठन होते हैं, लेकिन अकेला भारतीय जनता पार्टी है जो खुद आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है, उनका राजनीतिक चेहरा है, तो ये वो जो कहते हैं वो करते हैं। छतरपुर में एसडीएम अनिल सपकाले ने खुद ही अपने कार्यालय पर नकाबपोश बंदूकधारियों से हमला कराया था। व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों के चलते ये साजिश रची गई थी। पुलिस ने घटना का 3 दिन में ही पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद संभागायुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया है। छतरपुर में एसडीएम और उनके दफ्तर पर हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि कई ऑडियो सुनने के बाद घटना का पर्दाफाश किया गया है। कंट्रोल रूम में पुलिस ने कुछ ऑडियो पत्रकारों को भी सुनवाए। इस साजिश में कृष्णा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर पुष्पिन गौतम, उनसे जुड़े राजू उर्फ राजेंद्र बुंदिला और भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष जावेद अख्तर भी शामिल थे। पुलिस ने एसडीएम सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि जांच में पाया गया कि एसडीएम ने ही पूरी योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिलाया। हमले के दौरान हमलावर किसी भदौरिया का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। इस पर पुलिस ने भदौरिया से भी पूछताछ की, लेकिन जब इसकी जांच की तो पता चला कि उसे फंसाने के लिए ऐसा किया गया था। प्रकरण की विवेचना की जा रही थी, इसमें तमाम आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर एसडीएम श्री अनिल सपकाले को भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और उनको भी शीघ्र न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3, 120B, 193, 182, 211 IPC 2527 आर्म्स एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया गया। पुलिस ने पुष्पेन सिंह गौतम, जावेद अख्तर, राजू उर्फ राजेंद्र सिंह, अमित सिंह परमार, अर्जुन श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। पुष्पेन गौतम ने बताया कि एसडीएम अनिल सपकाले की छतरपुर पदस्थापना के बाद अब तक वह 15 लाख रुपए दे चुका है। खुलासा में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। एसडीएम दफ्तर में और किसी ने नहीं बल्कि एसडीएम अनिल सपकाले ने ही प्राइवेट निर्माणाधीन यूनिवर्सिटी के संचालक को फंसाने के लिए उन्होंने कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पुष्पेन सिंह गौतम के साथ साजिश रची थी, जिसमें स्वयं हमलावरों को बुलाकर एसडीएम ने ब्रीफ किया था और किस तरह उनकी मौजूदगी में हमला करना है और फिर फायरिंग किस जगह करना है, इस सब की प्लानिंग कृष्णा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और एसडीएम ने मिलकर की थी। इस मामले में एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद संभाग आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया है। 5 तारीख को एसडीएम कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुई थी और एसडीएम के लिखित आवेदन पर थाना कोतवाली में जो FIR हुई थी, उसके अनुसंधान के लिए 12 सदस्यीय टीम गठित की गई थी, जिसमें एडिशनल एसपी मुखिया के तौर पे थे और अनुसंधान पे ये पाया गया कि ये पूरी तरह से एसडीएम जो सपकाले थे, इन्होंने पूरी योजना बना करके षड्यंत्र रच करके इस घटना को अंजाम दिलवाया है। उद्योगपति अनिल अंबानी को 450 करोड़ रुपए चुकाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई मोहलत पर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है, लूट सके तो लूट, कमलनाथ की छूट। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार द्वारा उद्योगपति अनिल अंबानी को 450 करोड़ रुपए चुकाने में राज्य सरकार द्वारा दी गई मोहलत पर कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है, लूट सके तो लूट, कमलनाथ की छूट। प्रदेश की उद्योग नीति उद्योगपतियों की सहूलियत से तय हो रही है। किसानों की कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं है, कन्यादान की राशि के लिए पैसे नहीं है, लेकिन आम जनता का पैसा इस तरह बर्बाद किया जा रहा है। कॉरपोरेट कल्चर पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और गरीब का जीना मुहाल कर दिया गया है। कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है, लूट सके तो लूट, कमलनाथ की छूट। अनिल अंबानी जी को 450 करोड़ रुपए की 4 साल की छूट दे के माफ करने की जो कोशिश मध्य प्रदेश के खजाने से हो रही है, बहुत चिंता का विषय है। एक तरफ तो कहते हैं खजाना खाली है और दूसरी तरफ उद्योग नीति उद्योगपतियों के हिसाब से चल रही है। पैसा गरीबों का है, किसानों का पैसा किसानों को कर्ज माफी में नहीं दिया जा रहा। कन्यादान योजना में 51,000 रुपया कहा, वो कन्यादान योजना की उन बेटियों के बच्चे हो गए और उन बेटियों को बेटी से लाड़ली लक्ष्मी का लाभ मिल गया, लेकिन कन्यादान के 51,000 नहीं मिले। बेरोजगार नौजवान को आज तक एक ढेला नहीं मिला इस मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन अनिल अंबानी को 450 करोड़ की छूट, आईफा अवार्ड में 700 करोड़ की,
मध्य प्रदेश के इंदौर में आईटी अवार्ड चालू कर दिया हीरो हीरोइन का, आखिर जा कहाँ रहा है मध्य प्रदेश? क्या हालत कर दी कमलनाथ जी ने? कारपोरेट कल्चर पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और गरीब का जीना मुहाल कर दिया। किसानों का आरोप है कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसानों के साथ धान खरीदी में भेदभाव किया है। पहले तो 15 दिन देरी से धान की खरीदी शुरू करवाई गई, फिर असमय बारिश के कारण धान की खरीदी बंद रही, फिर वारदाने के अभाव में समय बीत गया। इन सब के बावजूद भी शासन द्वारा निर्धारित 20 जनवरी को धान की खरीदी बंद कर दी गई, जबकि 19 एवं 20 जनवरी को पूरे दिन धान खरीदी पोर्टल बंद रहा। इन सब से नाराज किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। कमलनाथ सरकार के खिलाफ किसानों ने ताल ठोक कर आंदोलन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि तमाम आंदोलनों प्रदर्शनों के बाद शासन ने दो दिन 30 और 31 जनवरी को समय बढ़ाकर धान की खरीदी कराई, परंतु रीवा जिले के 5 खरीदी केंद्रों रिमारी, परसिया, रायपुर चाक, अतरेला चाक 2 एवं मिसर गांव के पंजीकृत किसानों की धान खरीद के लिए आज तक कोई समय नहीं दिया गया, जो इन 5 खरीदी केंद्र के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है। किसान आज भी उक्त खरीदी केंद्र पर अपनी धान रखे खुले आसमान के नीचे इस ठंड में इस उम्मीद के साथ रात दिन बिता रहे हैं कि सरकार की नींद खुल जाएगी और वो धान खरीदेगी। इतना पीड़ित हो चुके हैं हम लोग, इतना मजबूर हो चुके हैं हम लोग कि दुख बस ये कार्य उठाना पड़ रहा है हम लोगों को। आज 20 तारीख से हर दिन यहाँ आके बैठे हैं, न घर का काम कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, बस यही आस लगाए हैं कि कमलनाथ जी या कि हमारे प्रबंधक जी खरीदी करेंगे, पैसा मिलेगा, उससे बच्चों का फीस देंगे, घर का खर्चा चलेगा। अब जब यही हमारा लोगों का रोजगार टूट गया तो अभी उससे दुखी हो गए हैं, और यदि आगे कुछ नहीं हो पाएगा तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए अब मजबूर हैं। समस्या तो ये पूछिए नहीं कि कितनी है, जितनी सारी समस्या थी सभी हम लोगों के ऊपर आ चुकी है, कोई समस्या अब बाकी नहीं है। इसी धाने से सब काम था, अब जब ये धाने की खरीदी नहीं होगी तो अब किसी भी प्रकार की समस्या बाकी नहीं है, हर प्रकार की समस्या आ गई है। शासकीय धान उपार्जन केंद्र रेमारी में रखे सैकड़ों किसानों की धान की खरीद न होने की वजह से किसान परेशान है। प्रशासन ने किसानों की पीड़ा के प्रति अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की है। जहां नेताओं के आंदोलन प्रदर्शनों पर शासन द्वारा ज्यादातर खरीद केंद्रों का समय दो दिन बढ़ाकर धान खरीदी गई, वहीं रेमारी सहित 5 किसान केंद्रों का समय नहीं बढ़ाया गया, जिस कारण यहां के किसान बेहद परेशान हैं और केंद्रों पर डेरा डाले हुए हैं। रेमारी खरीद केंद्र के पंजीकृत किसान क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी मनोज शुक्ला थक हार कर किसानों के धान की खरीद किए जाने के लिए किसानों के साथ अमरण अनशन पर बैठ गए हैं। हमारे साथ जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं मनोज शुक्ला जी, वो आज से हमारा अनशन पर बैठ चुके हैं। आइए पूरी बात इनसे बात करते हैं। सर, ये जो अनशन आप बैठे हैं, तो इन सब बातों को लेकर के आपने कैसे पहले तैयारी की? आप अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाए या नहीं, वहां से क्या आश्वासन मिला? देखिए, पहले जब खरीदी बंद हुई तो उम्मीद थी कि सरकार खरीदेगी, हम किसानों की पीड़ा को महसूस करेगी। नहीं, सबसे पहले पोर्टल बंद हुए तो तब तक तो आधे से अधिक किसानों की धान बची हुई थी, कि मतलब आधे किसान भी नहीं बेच पाए थे अपनी धान। यहाँ आधे से कम किसान बेच पाए हैं रिमारी में, और यही हालत अन्य 5 खरीदी केंद्रों की है। लेकिन उम्मीद थी कि सरकार बढ़ाएगी समय और खरीदी करेगी, क्योंकि प्रकृति की मार और बारदाने की समस्या तो सरकार की जानकारी में थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो 2 दिन का समय बढ़ाया गया उसमें इन 5 खरीदी केंद्रों को छोड़ दिया गया, जिसमें रिमारी भी शामिल है। हमें फिर भी उम्मीद थी कि 1-2 दिन में आगे बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा ना होने पर हमने तहसीलदार जवा और SDM जवा तेंसर के माध्यम से शासन प्रशासन को सूचना दिया कि हम पीड़ित किसान हैं, हमारी धान खरीदी जाए, लेकिन किसानों की आवाज़ नहीं सुनी गई। और उसी ज्ञापन के परिपालन में और उसी पीड़ा को लेकर के उन किसानों के मैं आज से आमरण अनशन का व्रत लेकर के बैठा हूँ। किस तरह से सहयोग मिल रहा है किसानों का, किस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है, किसान क्या बोल रहे हैं? किसान पीड़ित हैं, वो अपनी पीड़ा से नाउम्मीद हो रहे हैं सरकार के इस प्रक्रिया से, उनका हमें पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। अनशन पर बैठने से पहले SDM त्योंथर, MP बरार व तहसीलदार जवा जवार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ के किसानों की धान आज भी खरीदी केंद्रों में पड़ी हुई है। किसान रात भर भूखे प्यासे व ठंड में धान की रखवाली करने को मजबूर हो रहे हैं, तथा प्रशासन द्वारा किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जिससे किसानों में कमलनाथ सरकार के प्रति आक्रोश है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग में भूतों का डेरा है।
वहां रात के अंधेरे में एक सीढ़ी अपने आप चलने लगती है। इस तरह के कुछ वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं हैं। ऐसे में हमारी टीम ने अस्पताल की पार्किंग का पोस्टमार्टम किया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रीवा से राजकुमार पांडे की खास रिपोर्ट। भूत होते हैं ऐसा कई लोगों ने सुना होगा, लेकिन भूतों की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता। फिर भी जब बात भूतों की आती है तो जहन में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है, और जहां पर भूतों के होने की बात कही जाती है वहां लोग आने जाने से कतराने लगते हैं। रीवा में सोशल मीडिया पर इस तरह के कुछ चित्र वायरल हुए और बताने की कोशिश की गई कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग में भूतों का डेरा है जो रात के अंधेरे में सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो ने लोगों को डरा दिया। दरअसल वीडियो में कुछ इस तरह दिखाया गया था कि संजय गांधी अस्पताल के पार्किंग में एक सीढ़ी अपने आप चल रही है। इस तरह के फोटो और वीडियो की तहकीकात करने के लिए हमारी टीम संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग में पहुंची। वहां का गंभीरता से मुआयना करने के बाद यह तो तय हो गया था कि अस्पताल में खौफ पैदा करने के लिए कोई शरारती तत्व सक्रिय है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो वायरल किए गए वो अस्पताल की पार्किंग के है ही नहीं, वो उससे मैच ही नहीं करते हैं। इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखें तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है ये लोगों को डराने की एक साजिश है या फिर कोई मजाक कर रहा है। अस्पताल परिसर में काम करने वालों और सिक्योरिटी स्टाफ ने भी इसे कोरी अफवाह बताया। यहाँ पे हमारे को 2 साल 2.5 साल हो गए काम करते हुए, हर जगह मेरी गार्ड रहती है। यहाँ पे कोई हमें आज तक कोई भूत नहीं, ये सब अफवाह है, ये वीडियो भी यहाँ का नहीं है, ये कहीं से करके जनता को डराया जा रहा है। यहाँ पे कोई भूत वगैरह कहीं भी नहीं है। अब आज तक हमारे को हमारी हर जगह गार्ड लगी, अगर होता तो हमारे गार्ड को मिलता। आज तक हमें ऐसा कोई कंप्लेन नहीं, ना ही कोई भूत मिला, ना कोई भूत यहाँ पे आए। 20 साल से हैं, ऐसा कोई कवर नहीं है। तो जो वीडियो दिखा रहे हैं आप, अपने अस्पताल का नहीं है ये जी। कभी कोई घटना नहीं, हम लोग के यहाँ पोस्टमार्टम बगल में है, कभी ऐसा कोई भी घटना अपने यहाँ नहीं है। हम लोग के साथ अभी ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। संजय गांधी अस्पताल रीवा के पार्किंग फ्लोर में ऐसी किसी कलर की पुताई नहीं है जो वीडियो में दिखाई दे रही है। जाहिर है रीवा अस्पताल को लेकर किसी ने कहीं और का वीडियो सिर्फ लोगों को डराने के लिए वायरल किया है। इस अफवाह ने मरीजों और उनके परिजनों की नींद जरूर उड़ा दी थी, क्योंकि संजय गांधी अस्पताल रीवा जिले का सबसे बड़ा और मुख्य अस्पताल है और यहां लगातार लोगों का आना जाना बना रहता है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल में ब्लाइंडर ग्रुप ने दर्शन फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर ब्लाइंडर ग्रुप के बच्चों की शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। भोपाल के स्टेट म्यूजियम सभागार में ब्लाइंडर ग्रुप द्वारा दर्शन फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लाइंडर ग्रुप के द्वारा सोलो और ग्रुप नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में राजस्थानी, पंजाबी और बॉलीवुड गानों पर शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। आयोजन में जहां छोटे छोटे बच्चों ने दर्शकों का मन मोहा, वहीं बड़ों ने भी गायन के साथ शानदार डांस प्रस्तुत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुंगावली के विधायक ब्रजेंद्र यादव, जगत पाठक पत्रिका की संपादक विजया पाठक, दखल न्यूज की संपादक शेफाली गुप्ता मौजूद रहीं। इस दौरान सभी मुख्य अतिथियों का सम्मान किया गया। अतिथियों ने कहा, डांस और संगीत कई बीमारियों व समस्याओं का निदान आसानी से कर देते हैं और नृत्य संगीत किसी को भी ताजगी से भर सकते हैं। आज आशीष शर्मा जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो बहुत छोटे जगह से आए हैं और बहुत ऊंचाई पे पहुंचे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो और अभी विधायक के साथ में अल्फा अवार्ड होने वाला है। कम से कम कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ये करें कि स्थानीय नेताओं को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जगह दे ताकि दुनिया में उनको नाम हो, उनको आगे पहुंचाया जाए। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया और यहाँ पर जितने भी दर्शक बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष डांस बहुत अच्छा करते हैं मुझे मालूम था, आशीष सिखाते बहुत अच्छा है मुझे बात करें, आशीष इतना अच्छा गाते हैं कि मुझे आज का दिवस पता था। आशीष जैसे ही आगे बढ़े सबसे कार्यक्रम में परफॉर्म करने आए बच्चों को पुरस्कार दिए गए।
अतिथियों ने इस आयोजन और प्रतियोगियों के हुनर की जमकर तारीफ की। आयोजक आशीष शर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम वो लगातार 12 वर्षों से कर रहे हैं, वो बच्चों को निशुल्क नृत्य सिखाते हैं। ये ब्लाइंडरगंज डांस म्यूजिक एक्टिंग का 12वां वर्षगांठ है, जहाँ पर हम मतलब ब्लाइंडरगंज जो है वो गरीब बच्चों के लिए शिक्षा देता है डांस और एक्टिंग का। इसके साथ साथ कुछ अच्छे घर के बड़े घर के लोग भी सीखते हैं, तो हम सभी को शिक्षा देते हैं। और ये हमारा वार्षिक महोत्सव है, जहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम स्टेज दे पाए, उनको सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर उनको अवार्ड कर पाए, जिससे उनका प्रोत्साहन बढ़े, हेजिटेशन खत्म हो। उनको सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर छोटे भी बड़े भी सब लोगों की प्रस्तुतियाँ जो मैंने देखी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और हम भी सोचते हैं कि खाली समय में अगर लोग हमारी जो जिंदगी है ना, एक दौड़ धूप की जिंदगी है, इसमें समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन ऐसा अगर हमको कहीं समय मिले नाच करने का या गाना गाने का, तो बहुत अच्छी बात है और होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में गणपति किया था, उसके बाद फिर गणपति करने के बाद और अभी मैंने 50 सॉन्ग्स इन 10 मिनट किया था, और भी बहुत सारे डांस किए थे। और मैं ब्लाइंडरगंज की क्लास में से हूँ, और मेरे सर आशीष शर्मा है, और मैं बहुत सारे डांस सीखती हूँ। इस दौरान सबसे पहले कायरा वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। वेबसाइट के संचालक आशीष शर्मा ने बताया कि व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा मूल्य स्वास्थ्य शरीर का होता है। कायरा वेबसाइट पर मौजूदा 98 प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। सिंगरौली जिले में बेमौसम बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। सरकारी ब इंतजामी से 1.5 लाख टन धान भीग गया है, जिस कारण सरकार को लाखों का नुकसान हुआ है। 15 दिनों में भी खरीदी केंद्रों से उठकर ये धान गोदाम तक नहीं पहुंच पाया था। सिंगरौली में हुई बेमौसम बारिश ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। खुले आसमान तले रखा हुआ तकरीबन 1.5 लाख टन से ज्यादा धान भीगने से खराब होने की आशंका है, जिससे सरकार को लाखों का नुकसान होगा। बीते 15 दिनों में भी जिले के 32 सोसाइटियों में अधिकांश जगह खुले आसमान के नीचे धान डंप है, और निजी परिवहनकर्ता ठेकेदार की मनमानी और सरकारी अफसरों की नाफरमानी से अभी तक धान उठाया नहीं गया है। अब वही बेमौसम बारिश से धान सड़ने की कगार पर है। रुपए मुश्किल से मिल पाता है, और अभी 2 महीने हो गया धान दिए हुए, उसमें पैसा कुछ नहीं मिलता है। सोसाइटी वाले जो अलग से अपना कमीशन काटते हैं, उसकी समस्या तो है ही, उसको तो बता ही नहीं रहे हैं। और यहाँ पैसा लेने आते हैं, यहाँ पे 6-6 घंटे भीड़ लगा के जाते हैं, और आज 1 हफ्ते हो गया रोज आते हुए, कुछ पैसा नहीं। सोसाइटी से गोदाम तो पहुँच जाता है, उसमें भी बहुत मेहनत लगता है, 1 हफ्ते परेशान होना पड़ता है, वो तो पहुँच जाता है। फिर वहाँ पे कमीशन कटता है 100 बोरी में 2-2, 4-4 बोरी, वो कमीशन से जो पैसा बचता है, फिर यहाँ आके फिर हम 1 हफ्ते मरे तब पैसा मिल पाता है 20-20 हज़ार रुपये। मेरा तो 7.5 लाख का धान बेचा है, 1044 बोरी, तो 20-20 हज़ार रुपये लेंगे तो 3 महीने हमको लेने पर लग जाएगा। केस नहीं मिल रहा है, 5 दिन से घूम रहे हैं, यहाँ 10,000-5,000 मिल रहा है, यही दिक्कत है। धान बेचे थे मान लीजिए 250 बोरी। 27 दिसंबर को धान दिया हूँ, अभी कुछ नहीं मिला, 1 रुपये भी। 2 लाख से ऊपर है क्वालिटी, हाँ नहीं है, जो एंट्री करते हैं पासबुक में वो भी नहीं है, सब परेशान है। जिले के जिम्मेदार अब बहानेबाजी करके इससे पल्ला झाड़ रहे हैं, मगर किसानों को 2 माह के बाद भी धान का पेमेंट नहीं हो रहा है, जिससे उनकी आगे की खेतीबाड़ी पिछड़ रही है। यही नहीं, जिला सहकारी बैंकों के किसान चक्कर काट रहा है, मगर अफसर अपने ही हिसाब से चल रहे हैं। एक वजह यह भी है कि जब तक किसानों की धान सोसाइटी से गोदाम को नहीं पहुंचेगी, तब तक भुगतान नहीं हो सकता है। साथ ही जिनके भुगतान आए हैं, उन्हें भी मनमाने तरीके से जहां 50,000 की जरूरत है वहां 5,000 दे रहे हैं, इससे किसानों में काफी आक्रोश है। भंडारण का काम क्योंकि वो उनका है, नागरी का फुटवालों का, गोदाम न होने की वजह से लेट बता रहे हैं कि जब गोदाम हो उठ रहा उठेगा। आपके क्षेत्र में सर कितना भी गोदाम सोसाइटियों में माल पड़ा हुआ है? माल सोसाइटियों में चतरी में पड़ा है, रामगढ़ में पड़ा है, मझौली में पड़ा है, दिनेश समिति है, बाकी सब हो गया। अपने तरफ से तो व्यवस्था की गई है ढकने के लिए, अब त्रिपाल उपाल से ढका गया है, अब बरसात हुई है तो बचाव किया गया है, जो नीचे से भीज रही होगी बरसात की वजह से, तो व्यवस्था वो भी है, उसकी व्यवस्था करके खरीद करके रखे, तो उनके अकाउंट में जिनका आ गया है क्रमशः पेमेंट हो रहा है, और कैश जैसा आता जाता है उस हिसाब से हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक साथ तो नहीं दे पा रहे हैं। इसमें जिला में 75,000 मेट्रिक टन की धान खरीदी हो चुका है,
उसमें पेमेंट ट्रांसपोर्ट होके एक्सेप्टेंस नोट जारी होने के आधार पर होती है। अभी भंडारण की दिक्कत थी, लेकिन हमने कई सारे ऐसा गोडाउन और मैंने चिन्हित कर लिया जहाँ पे भंडारण मतलब करने के लिए व्यवस्था किया गया। जैसे अभी बगल में मंडी में भी उधर जो चबूतरे हैं उसको रिपेयरिंग के काम स्टार्ट हो चुका है। 3-4 दिन में सबका वो परिवहन होकर व्यवस्थित भंडारण हो जाएगी। उम्मीद है कि 5-7 दिनों में जो बचा हुआ किसानों को भी भुगतान हो जाएगा। झाड़ फूंक कराने आए युवक ने बैगा परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में बैगा परिवार बुरी तरह जख्मी हो गया है और हमले में घायल एक युवती की मौत हो गई है। बांदी थाना क्षेत्र के पाड़ेगा गांव में बैगा के पास झाड़ फूंक कराने एक युवक आया था। वो मानसिक रूप से पीड़ित था। बताया जा रहा है युवक ने पीछे से आकर सब्बल से बैगा परिवार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी युवती और बैगा गंभीर रूप से घायल है, जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज किया गया। बैगा परिवार की हालत गंभीर देखकर उन्हें जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस हमले में युवती ललिता नरेटी की मौत हो गई। बैगा चेतू राम नरेटी और युवती सोमा नरेटी घायल हैं, उनका इलाज जारी है। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को रस्सी से बांध कर रखा और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। टीकमगढ़ जिले के ग्राम दिगौड़ा में एक युवक खुन्नी केवट की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने कल देर रात चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने बताया कि यह मामला हत्या का है और प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि खुन्नी केवट की मौत मजदूरी करते समय छत से गिरने से हुई है। दिगौड़ा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत का मामला प्रशासन के गले की हड्डी बन गया। मृतक खुन्नी केवट के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, जिससे प्रशासन दुर्घटना का रूप दे रहा है। इंदिरा आवास का पैसा देने के बहाने मृतक के परिजनों को बुलाया और अस्पताल चौकी में रिपोर्ट के आधार पर आनन फानन में खुन्नी केवट का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। इस मामले में देर तक रिपोर्ट न लिखे जाने से नाराज परिजनों ने लाश रखकर चक्का जाम किया। हमारे भाई के साथ में ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ एक सोनी जी हैं, या सी की नाम था, उनके भैया आए थे लुवाने के लिए सुबह से, अशोक नाम है उनका, और वे यहाँ से लुवा गए थे। वो बोले गए चलो तुम्हारा आवास वगैरह काम होना, हमको तो उसको जानकारी नहीं थी पहले, लेकिन बाद में हमारी भाभी ने बताई हमको, और इसके बाद में हम लोगों भाभी को लुवा गए। वे बोले कहे कि तुम्हारी फ़ोटो खींचना है और दस्तखत होना है। तो इन लोगों को जिला अस्पताल में ले गए। इनने कहा कि हमारे भाई देवर वगैरह को लुवा के आओ अस्पताल में, हम क्या क्या करने आ रहे हो। बोले कर ले तुम्हारा पैसा आवास का निकलना है। और फिर इसके बाद में वहाँ से जी गाड़ी में लाश लेके आ गई। हम यहाँ पर हमारे घर हमें आया, उनका भतीजा बोला कल चलो तुम्हारे भैया बुला रहे हैं। हम वहाँ पर गए तो हमारा भैया हमको गाड़ी में मरा हुआ पड़ा था। ये मामला है कि हमारे चाचा को सुबह 11 सोनी ने बुलाया था, किस सोनी ने काम के लिए, और उन लोगों ने हमारे चाचा का मर्डर कर दिया, इसलिए से हम लोगों ने ट्रैफिक जाम किया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि जतारा SDM सौरभ सोनबड़े ने उनके साथ अभद्रता और गाली गलौज की, जिससे माहौल बिगड़ गया। इसके साथ ही पुलिस की सख्ती का उपयोग किया गया, जिससे परिजनों को लाश सड़क पर ही छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने समझदारी से काम लिया और मृतक के परिजनों को घर से बुलाकर दिगौड़ा थाने ले आई। तब रात लगभग 12 बजे आरोपी राजेश सोनी और अशोक सोनी के खिलाफ धारा 304-34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। इस दौरान रात 9 बजे से 12 बजे तक मुख्य सड़क पर चक्का जाम होता रहा। अधिकृत के लोग हैं, कुछ लोग थे, एक अशोक सोनी राजेश सोनी के घर मकान में एक खुन्नी केवट काम करने के लिए सुबह उससे घर से बुला ले गए थे। बाद में उसको उन्होंने बताया कि ये छज्जा टूट के गिर गया है, उससे गिर गया है, लेकिन इनका पूरा संभावना इनकी जो संदेह व्यक्त किया है कि इन्होंने उससे पैसे के लेने पर से उसको मार दिया है। इस पर से इसकी FIR दर्ज कर दी गई है और इसकी विवेचना की जा रही है, विशेषमत कार्रवाई की जा रही है। सिवनी पुलिस ने चोरी का सामान बांट रहे चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से 3,90,000 रुपए के सोना चांदी के जेवरात एवं नगद रुपए जब्त किए गए। ये आरोपी रहवासी इलाकों में घूम घूमकर कबाड़ बीनते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। सिवनी के लखनादौन में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देश पर पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। लखनादौन पुलिस द्वारा पकड़े गए 5 आरोपियों से बारीकी से पूछताछ करने पर बताया गया कि वो दिन में घूम फिर कर गांव कस्बा मोहल्लों में कबाड़ बीनकर घरों की रेकी कर लेते थे और घरों में ताला जड़ा देखकर दिन में ही
चोरी की घटना को अंजाम देते थे। गौरतलब है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मिशन टोरिया की पहाड़ी के पीछे कुछ संदिग्ध लोग बैठकर पैसों एवं जेवरातों का आपस में बंटवारा कर रहे हैं, जिसकी सूचना पर संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी ने टीम के साथ तत्काल पहुंचकर घेराबंदी की और मौके से 5 लोगों को सोना चांदी के जेवरात एवं नकदी रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि चोरी करने वाले आरोपियों के पास से कुल 3,90,000 रुपए के सोना चांदी के जेवरात एवं नगद प्राप्त हुए हैं। सूचना प्राप्त हुई थाना प्रभारी लखनऊ दौन को कि कुछ अज्ञात लोग कस्बे में घूम रहे हैं और वो चोरी का कुछ माल बेचने के प्राप्त हुए सोना चांदी के जेवरात। पता किया गया तो पता चला कि वो मिशन टोरिया बिल्डिंग के पीछे एकत्र हुए, जहाँ उनको जाके थाना प्रभारी लखनऊ के द्वारा उनके स्टाफ के द्वारा उनको पकड़ा गया, थाने लाया गया। थाने में जब पूछताछ की गई तो पता चला ये 5 आरोपी, जो कि एक रायसेन जिले का है और 4 नरसिंहपुर जिले के, ये 5 लोगों ने मिलकर लखनऊ थाने के अंतर्गत 2 अपराध चोरी के किए। थाना घनसौर के अंतर्गत 1 अपराध किया गया है और 1 छपारा के अंतर्गत किया गया। सूचना जैसे ही प्राप्त हुई तो थाना प्रभारी घनसौर को बुलाया गया मौके पे। यहाँ पर ये आरोपी रायसेन और नरसिंहपुर जिले के हैं, जो घूम घूम कर कबाड़ बीनते हुए चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन चोरों पर पहले से ही चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है और इनके खिलाफ न्यायालय में मुकदमे भी चल रहे हैं। इन चोरों से कड़ाई से पूछताछ जारी है, जिसके चलते और भी खुलासे होने की उम्मीद है। प्रख्यात पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर तथा संगीत निदेशक कुलदीप सिंह को इंदौर में एक गरिमामय समारोह में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रदेश की संस्कृति मंत्री विजया लक्ष्मी साधो ने कलाकारों को सम्मानित किया। राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकार समारोह का आयोजन बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में किया गया। प्रदेश की संस्कृति मंत्री विजया लक्ष्मी साधो ने कलाकारों को सम्मानित किया। अलंकार समारोह के साथ ख्याति प्राप्त मोनाली ठाकुर की प्रस्तुति के साथ समारोह में सम्मानित विभूतियों ने अपने कलाकारों के साथ संगीत में ही प्रस्तुति दी। इससे पहले राज्य स्तरीय सुगम संगीत प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसमें चयनित प्रतिभावान कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की उत्कृष्टता और सृजन को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने की अपनी परंपरा के अनुसार क्रम में सुगम संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना की। सम्मान के अंतर्गत सम्मानित कलाकार को 2,00,000 रुपए और प्रशस्ति पट्टिका भेंट की जाती है। सुगम संगीत के क्षेत्र में कलात्मक श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1984 में लता मंगेशकर सम्मान स्थापित किया गया। यह सम्मान संगीत रचना और गायन के लिए दिया जाता है। इस बार ये सम्मान ख्याति पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुरम तथा संगीत निदेशक कुलदीप सिंह को दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।